अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो जनाब, आज फिर मैं दोबारा से अपनी आँख पे ट्राई करते हुए सेकंड टाइम ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज मैं बहुत कोशिश की है कि मैं अच्छे से सही कैमरा रख के वीडियो बना सकूँ। अच्छा, ये जो लुक मैं क्रिएट कर रही हूँ ना, स्मोकी क्लासिक ब्राउन आए, ये सिर्फ और सिर्फ दो शेड से बनेगी। और इंस्टाग्राम पे मेरी बहुत ही प्यारी बहन सिस्टर, उन्होंने मुझे ये पिक भेजी थी और कहा था कि ये जो है कौन से शेड्स मिला के आई बनेगी। तो फिर बहुत ही सिंपल था, मुझे अच्छी भी लग रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। वो वाइट ड्रेस के साथ इसे बनाना चाह रही थी, तो मैंने कहा वाकई ये वाइट ड्रेस के साथ बहुत अच्छी लगेगी। क्रिस्टाइन का कंटोर पैलेट लेके मैंने उससे क्रीज लाइन बनाई है, और जो डार्कर क्रिस्टाइन का कंटोर पैलेट है 04, जिसे मैं आईब्रो फिल करती हूँ, उसमें से डार्क शेड उठा के मैंने पूरा आईलेट पे लगा लिया। ठीक है, बस इन दो शेड्स को मिला के इतनी प्यारी आईज़ बनी, मतलब सेम जो पिक मुझे दी गई थी बिल्कुल वैसी थी। ब्यूटीफाई बाय आमना के हाइलाइटर वाले जो पैलेट है मेरे पास, उसमें से मैंने ये शैम्पियन कलर का शेड लिया, सेम एज इट इज़, जैसे उसमें शैम्पियन कलर का इनर कॉर्नर था, मैंने भी बिल्कुल वैसा ही शैम्पियन कलर का इनर कॉर्नर दिया। ठीक है, और थोड़ा सा हल्का सा जो है लोअर लैश लाइन में इसको ले आई। उसके बाद यही कलर जो है मैं अपने ब्राउ बोन एरिया पे भी लगाऊंगी। ठीक है, ब्राउ बोन पे भी लगा लिया, इनर कॉर्नर पे भी लगा लिया। आप देखिए कितनी अच्छी लुक आना शुरू हो गई थी। अपने मुमिया मिठू, खैर ये जो है ना, मैंने फ़र्स्ट टाइम ब्राउन आई बनाई है, मतलब मैं इस तरह का मेकअप करती नहीं हूँ, और वो भी मैट शेड्स के साथ। लेकिन एंड में मैंने फिर भी थोड़ा सा कर दिया था, आप एंड देखिएगा, पहले इसको पूरा देखिएगा फिर एंड पे जाइएगा। अच्छा, ब्लैक कलर लेके मैंने हल्का हल्का ना नीचे वाला जो था लोअर लैश को, उसको डार्क किया, और यहाँ पे बिल्कुल बारीक सा लैशेस के साथ साथ मैंने लाइनर लगाया जहाँ पे मैंने अपनी जो है लैशेस लगानी है। ठीक है, क्योंकि इसमें लाइनर बिल्कुल भी नहीं था, ये टोटल जो था ब्राउन स्मोकी था, और सिर्फ लैशेस लगी हुई थी। अगर आप लोग चाहें तो मेरा ख्याल है कि विंग लाइनर भी लगा लें तो इसके साथ अच्छा लगेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने मस्कारा लगा लिया आंखों के अंदर, काशेस का वही वाइट जेल लाइनर जो मेरे पास है मैंने लगाया, और अपने आईब्रो को मैंने ब्लैक के साथ इसलिए फिल किया क्योंकि अगर मैं ब्राउन के साथ करती तो वो बहुत अजीब सा लगता, क्योंकि ब्राउन आई बनाई थी, इसलिए जो है ना मेरे आईब्रो वैसे भी ब्लैक थे, तो मैंने ब्लैक के साथ इनको फिल कर लिया। अब ये मेरे पास लैशेस पड़ी हुई हैं 3D, इनको जो है मैंने, आपको पता मुझे लैशेस लगाना बहुत मुश्किल लगता है, तो ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल दो शेड्स के साथ हमने काम किया, और कितनी प्यारी आईज़ लग रही है। वाइट ड्रेस के साथ भी ये आईज़ बहुत अच्छी लगेगी। तो अगर आपको लुक अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और लास्ट में मैंने इस पर थोड़ा सा ग्लिटर लगा लिया था, गोल्डन ग्लिटर, जैसे फरा मैम करती हैं ब्राउन आई बना के उसके ऊपर ग्लिटर लगा देती हैं, और उसको मतलब ब्राइडल मेकअप में चेंज कर देती हैं। तो मैंने ग्लिटर लगा के भी आपको दिखाया, अगर आपको ऐसी अच्छी लगे तो ऐसे बता दीजिएगा, ग्लिटर में अच्छी लगे तो भी बता दीजिएगा, और इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत जल्दी बनती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।